जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइफ पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए पामिस्ट्री सीरीज, जिसमें बताती हूँ कि हाथ की रेखाओं को देखकर आप कैसे अपने बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं। बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए पामिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लेकर आने वाली हूँ। पामिस्ट्री मतलब हस्तरेखा से जुड़ी हुई वीडियो। बहुत सारे लोग अपने हाथ की रेखाएं देखते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ सोचते हैं कि मेरी हाथ की रेखाएं में क्या कहती हैं, ये रेखा बदल गई, अब कुछ और होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हाथ की रेखाओं में। और आपको बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हाथ की रेखाएं बदलती नहीं है, तो आप खुद नोटिस करना, महीने दो महीने में कुछ ना कुछ नई रेखा आ जाएगी या फिर कुछ ना कुछ नई आपकी जो है रेखा मिट जाएगी। तो रेखाएं बदलती हैं, लेकिन कुछ रेखाएं जो है परमानेंट होती हैं। और उस रेखा को देखकर आप क्या समझेंगे, यही मैं आपको बताती हूँ अपनी पामिस्ट्री सीरीज में। तो एक सवाल आया था मैरिज लाइन के बारे में। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैरिज लाइन अगर दो मुंह ही है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, ये सवाल पूछा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर आपको वीडियो बनाकर बताया जाए। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके आप सभी बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं पामिस्ट्री सीरीज, जो मैं आपके लिए हस्तरेखा से जुड़ी वीडियोस लेकर आती थी, ये हमेशा और भी हर दिन लेकर आऊं, या फिर कोई आपका अगर सवाल है तो वो सवाल भी आप लिख सकते हैं। आज बात कर रहे हैं कि अगर आपकी मैरिज लाइन जो है दो मुखी है, यानी उसमें एक और लाइन निकल चुकी है, तो उसका मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पहले आपको बता दूं मैरिज लाइन होती किधर है, ये हमारा लिटिल फिंगर है, ये हार्ट लाइन है, बीच में जो ये स्पेस है इसी के बीच में कुछ लाइंस होते हैं जिसे हम मैरिज लाइंस कहते हैं, विवाह रेखा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे विवाह रेखाएं होती हैं। तो ये जो अगर मैरिज लाइन आपकी दो मुखी है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें दो मुंह निकला हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, इसका मतलब कुछ और होता है। दो मुही मैरिज लाइन का मतलब होता है अगर एक रेखा से आगे चल के वो दो तरफ चली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके आपके पार्टनर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, यानी आपका पार्टनर कुछ और सोचेगा, आप कुछ और सोचेंगे, दोनों की सोच नहीं मिलेगी, लेकिन डिवोर्स नहीं होता, यानी परमानेंट सेपरेशन नहीं है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप देखते हैं अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है, तो ये देखकर बिल्कुल भी मत डरिएगा कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, आपका तलाक हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ। इसका मतलब यही है कि दोनों की सोच अलग अलग है, आप दोनों को अपनी सोच को मिलाने की ज़रूरत है, दोनों को एक जैसा सोचने की ज़रूरत है। हालांकि हर इंसान एक नहीं होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको उनके साथ और उनको आपके साथ अग्री करना पड़ेगा। तो तलाक नहीं होता है, परमानेंट सेपरेशन नहीं होता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो आप ये अब समझ जाएंगे दो मुखी मैरिज लाइन देखकर। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से किन किन लोगों की मैरिज लाइन जो है आगे चल के दो तरफ चली गई है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में हमारे पामिस्ट्री सीरीज में, जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ और बताऊंगी। लेकिन अगर आपके पास अपना सवाल है कोई, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको ये जो है पामिस्ट्री सीरीज कैसी लगती है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।